ठाक रखेंगे सबको, याद रखना इतने पैसे कमाना है मेरी जान तो सबको डराना पड़ेगा, मेहनत में यूट्यूब में काम करो सबको बताना पड़ेगा। बाय बाय। तो कैसे आप सभी लोग, मैं भी चुप हूँ। पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा यूट्यूब की पांचवी इनकम कितनी होती है, ठीक है। कौन सी किसकी दिखाऊंगी वीडियो, शाहरुख सुहास शुक्ला 2.0 उनकी वीडियो अभी अपलोड हुई है, ज्यादा नहीं 11 घंटे हुए अपलोड हुए। मैं तो वीडियो ये आज कितनी तारीख है पता, देखने ही मोबाइल भूल गया। तो पांचवी इनकम देखिए इसकी कितनी है। मैं अपना फेस पहले बंद करता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ। ओके फेस बंद। फाइनली दोस्तों हम लोग की YouTube की फिफ्थ पेमेंट आ चुकी है, तो अभी चलते अंदर और भैया इसको गिनते हैं कि कितना पैसा YouTube से हम लोग का आया है। बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों कि YouTube की फिफ्थ पेमेंट हम लोग ने हासिल कर ली है। अभी आप लोग पूरा एक एक गिन कर बताएंगे कि कितना पैसा ये आया। देखिए कितना सारा पैसा, ये पूरा एक एक गिन करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर कितना ज्यादा स्ट्रगल पड़ता है यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, ठीक है। सब कुछ बताएंगे तो वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, अभी अंदर चलता हूं और मैं आपको ए टू जेड सब कुछ बताता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए भैया अभी हम लोग बैठ चुके हैं, भाई गिनते हैं कि आखिर ये कितना सारा पैसा है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा पैसा है ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा एक अंदाजा लग जाए मोटा मोटा कि ये पैसा कितना सारा है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कितनी सारी ये नोटें हैं और देख सकते हैं कितना सारा ये पैसा है। और ये सारा का सारा पैसा दोस्तों YouTube से कमाया गया है जो कि फिफ्थ पेमेंट है। अभी मैं पूरा पैसा आप लोगों को गिनकर बताऊंगा कि आखिर दोस्तों कितना पेमेंट हमारा आया है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस पैसे को गिनते हैं और देखते हैं कि कितना पैसा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखिए अभी बहुत सारा पैसा है। ये सारा पैसा दोस्तों मैं गिन के आपको बताऊंगा कि आखिर ये पैसा कितना है, ठीक है। हमारी आखिर YouTube से फिफ्थ पेमेंट कितनी आई है, आप सभी को पता है कि 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में YouTube की पेमेंट आती है। और जैसे ही आपका $100 कंप्लीट हो जाता है, अगले जिस भी महीने आपका $100 कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले 21 तारीख को 21 से 26 के बीच में आपकी पेमेंट आ जाती है, ठीक है। तो भैया हमारा कंप्लीट हो गया था तो आप देख सकते इतना सारा पैसा हमारा आया है। अभी हम आपको पूरा एग्जैक्टली बताएंगे गिनकर। देखो यहाँ कोई फर्जी वाला सिस्टम नहीं होता, आप लोग को पता है कि सिवार्थ राज शुक्ला 2.0 में आपको बिल्कुल जेन्युइन बातें मिलती हैं। तो यहाँ पर कोई मैं आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा कि भैया हमारी पेमेंट इतनी आई कि हम एक कार ले सकते हैं, कि एक आईफोन ले सकते हैं, कि भैया कल एग्जैक्टली गिनकर बता दूंगा कि मेरा पैसा कितना यूट्यूब से आया, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप रियल में ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं कि ये जो पैसा है ये कमाना क्या रियल में बहुत आसान है। क्योंकि जितने भी YouTube के टिप्स देने वाले गुरु हैं वो सब आपके सामने यही प्रेजेंट करते हैं कि कुछ नहीं करना, सिर्फ घंटे दो घंटे काम करिए और भैया YouTube से पैसे कमाइए। अब सच्चाई क्या है इसके पीछे की वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए ये बिल्कुल सच है कि यूट्यूब से ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये पैसा अगर ऑफलाइन आप कमाते तो शायद आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगती, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन कमाने में ऑफलाइन के अपेक्षा कम मेहनत लगती, लेकिन हाँ डेडिकेशन तो बहुत ज्यादा लगता है। ये जो आप 500 की नोट देख रहे हैं, 500 की नोट, आप सभी को पता है कि जिस समय मुझको मेरे घर से भगाया गया था मेरे फ्रेंड ने मुझको यही 500 की नोट दी थी, ठीक है। मेरे पास में एक भी रुपया नहीं था, मेरे फ्रेंड ने मुझको ये 500 रुपए दिए। और उस समय ये 500 रुपए जो आपको दिख रहे हैं, ये 500 रुपए उस समय मेरे लिए 5000 रुपए के बराबर थे, 5000 करोड़ के बराबर थे। क्योंकि उस समय मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। जो भी इस वीडियो को नया देख रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता देता हूं कि दोस्तों YouTube पर काम करने की वजह से मुझको मेरे घर वालों ने भगा दिया। क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन पे दोस्तों लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऑनलाइन रियल में पैसा कमाया भी जा सकता है क्या। बिल्कुल क्यों हट गई देख के हटेगी। आपने सुनो भैया यूट्यूबर बनेगा पर झंडे गाड़ देगा यूट्यूब में। यहाँ पर झंडे गाड़ने से पहले गड्ढा खोदना पड़ जाता है, याद रखना। ये नहीं है कच्ची जमीन गड्ढा गाड़ दिया पानी डाल के, ये पक्की जमीन है। आप लोग यूट्यूबर बनोगे तो आप लोग जो यूट्यूब छोड़ रहा हो ना, छोड़ रहा हो जो, बहुत बुरी गलती है। और ये गलती एक और गलती है, आप लोग कभी ना करना कभी जिंदगी में। अगर यूट्यूबर बनना है आपको, कभी जिंदगी में ये गलती ना करना। रुक जाओ, कूलर बंद कर दे, आवाज बहुत खतरनाक है। हाँ ये गलती कभी ना करना। ये जो आप लोग सोचते हो यार वीडियो गलत अपलोड हो गई या दोस्त कह रहे कैसी वीडियो बना, घंटा उनकी नहीं सुनो। वो तुम्हें अगर ये सुनते रहोगे ना
याद रखना, यूट्यूबर तो क्या, टेलीग्राम वाले फ्यूचर नहीं बन पाओगे। जो इंस्टा पे रील्स ऊपर नीचे करते हो ना, वही करते रह जाओ जिंदगी भर, समझे। अगर आप लोग को रियल में यूट्यूबर बनना है, मेहनत करो दम से। हम ये पता है वीडियो कब बना रहे हैं, रात का 3 बज रहा 3, इसलिए मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ। रात के 3 बजे वीडियो बनानी पड़ती, नॉइज नहीं आती, गाड़ी की नॉइज नहीं, शोर शराबा नहीं, ये सबसे दूर, ठीक है। और गाइस, मेरा एक सपना था, 2-3-4 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे को ये चाहिए था मेरे को। आप लोग को दिख रहा है कार्डबोर्ड का मैंने बनाया, मगर कार्डबोर्ड के जरूर बनाया, जब ये बिल्कुल जब बना था पूरा रियलिस्टिक था, अभी मुझे चाहिए था। अब मुझे अभी भी चाहिए है, मैं तभी काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग भी पैसों के पीछे ना भागो, आप लोग ये देखो पहचान बनाओ अपनी, ठीक है। यूट्यूबर तो बहुत बन जाएंगे, आपने यूट्यूब चैनल खोला, अपना फेस नहीं दिखा रहा, किसी की शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी, किसी की लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी, अगले दिन उसकी नजर में आ गई, उन्हें पट्टे से स्ट्राइक मार दी, क्या कर लोगे। यूट्यूब ऑफिस में कंप्लेन करोगे घंटा, वो भी आपकी कंप्लेन नहीं सुनेगा। इसलिए आपने कॉपीराइट क्लिप्स उठाई है वहां से, ठीक है। कभी भी अपना कंटेंट बनाना, अगर आप लोग दूसरा कंटेंट बनाना चाहते हो, उनसे पहले परमिशन ले लो, पूछ लो क्या भैया हम आपका कंटेंट ले सकते हैं थोड़ा सा, अगर वो कह दे हाँ तो ले सकते हो, अगर वो कह दे ना तो गलती से भी नहीं लेना, नहीं तो आपका चैनल डूब जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। एक तो मेरे को सरोज शुक्ला ही अच्छे लगे हैं, जिनका मैंने कंटेंट लिया है, मगर उन्होंने आज तक मेरे को स्ट्राइक नहीं मारी, मार सकते हैं मगर उन्होंने मारी नहीं है। ये वीडियो, ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो करके उनकी तरफ भेजूंगा जरूर, इसलिए वो मेरे भी स्टेटस देखते तो हैं, मतलब रिप्लाई नहीं करते, मानता हूँ वो मेहनत में लगे, काम में लगे रहते हैं तो रिप्लाई नहीं करते हैं। मगर हाँ, आप लोग ये जरूर सोचना, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, आप लोग को यूट्यूब में काम करना है, तो प्लीज कोई भी यूट्यूब चैनल अपने YT स्टूडियोज कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करना। डिलीट करोगे चैनल बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा मोनेटाइज के समय पे। अगर मोनेटाइज होने जाएगा चैनल, तो यूट्यूब खुद पूछेगा तुम्हारा क्या दूसरा अकाउंट है, क्या कितने अकाउंट चल रहे हैं, ये सब पूछेगा। अगर आप लोग को नहीं पता है अकाउंट कितने हैं, बोलिए। अगर YouTube में सब कुछ तुम्हारा कंप्लीट हो गया, YT स्टूडियो सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, अगर YouTube ने मोनेटाइज करने से रिजेक्ट कर दिया, तो क्या करोगे। पूरी मेहनत गई पानी में, वो तो जाएगी ना, जब दूसरा कंटेंट लोगे तभी कहते हैं दूसरे कंटेंट नहीं लिया करो। नहीं, बहुत से यूट्यूबर तो ऐसे है भाई, चैनल किसी और का है, चैनल अपना है, वीडियो किसी और की है, अगले दिन वो वीडियो किसी और की है, यूट्यूब चैनल नहीं है, वो यूट्यूब चैनल नहीं है। आप लोगों ने कूड़ेदान देखा है, डस्टबिन, उसमें कितनी कितनी प्रकार की चीजें रहती हैं, कुरकुरे, चील, लहसुन, धनिया, मिर्चा, सब कुछ रहता है उसमें, वो है यूट्यूब चैनल, वो जो ये सब हराईबंदी करते हरकते करते हैं। प्लीज ऐसी हरकते ना करना, इसलिए यूट्यूब भी नहीं समझ पाएगा, एल्गोरिथम उसका काम नहीं कर पाएगा, उसको ये समझ में नहीं है मैं ये वीडियो कहाँ भेजू, मल्टीपर्पज तो वीडियो पड़ी है 12-36 प्रकार की, पूरे 8वें अजूबे की पूरी वीडियो बनी है, पूरे 8वें अजूबे वो वीडियो घुसे हैं, और घंटा नहीं समझ में कौन कहेगा यूट्यूब चैनल है। कोई समझे कॉमेडी वीडियो पड़ी है, भाई कॉमेडी चैनल होगा, कोई कहेगा यार नहीं यार साइंस की वीडियो पड़ी है, हाँ यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, नहीं यार व्लॉग पड़ी है, चलो व्लॉग का चैनल होगा। पता चला प्यूपल में चैनल लगा है, प्यूपल में वीडियो धड़ाधड़ अपलोड हो रही है, पता चले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैनल लगा है, धड़ाधड़ वीडियो अपलोड हो रही है। यूट्यूब भी कहे भैया रुक जा, क्यों थका रहा है, ठीक है। अगर आपको YouTube में काम करना है, तो प्लीज मेहनत से काम करिए, इनके पैसे देख लीजिए, इनकी 5वीं इनकम है ये, 5वीं इनकम। अगर हाँ, अगर 5वीं का आप मेरे जैसे हो, छोटे या बड़े उतने को छोटे, अभी तो इतनी इनकम आपके अगर हाथ में आएगी, तो को क्या कहेगा, चाहे जो सी वीडियो बना रहा हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्यों, पैसा मिला आपको, इतना तब नहीं ढेरों पैसा मिला। ये पैसा ही बहुत बड़ी चीज है, इसी पैसों की वजह से रिश्तेदार भी दूर होते हैं और रिश्तेदारी भी दूर होती है। अगर आप लोग YouTube में काम करते हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप लोग को सब कोई निकम्मा समझेंगे, क्या करेगा वीडियो बना, क्या करेगा, घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। ले भाई सामने खड़े हैं, इन्होंने खुद अपने मुझ पर मेरे को भगा दिया था YouTube में, YouTube की वजह से भगा दिया था, देखो आज पैसे कमा रहे हैं। और हम लोग
झटमला के 4 साल से इसी में काम कर रहे, इसलिए मैंने ये गलती करी है। आप लोग गलती ना करना, मैं आपको बार बार कहूंगा आप लोग ये गलती ना करना। अगर आप लोग ये गलती कर दोगे तो बहुत बुरा YouTube में परिणाम हो जाएगा, याद रखना। मैं बोल नहीं पाया, मैं बोलता बुरा लग जाता आप लोग को अभी 2 मिनट में, ठीक है। प्लीज ये वीडियो गलत संगत में ना ले, मैं किसी को आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ। अगर आप लोग YouTube चैनल चलाते हो तो प्लीज उसको अच्छे से चलाइए, एक ही कॉन्टेंट डालिए, किसी को चुरा के कॉन्टेंट ना डालिए, किसी की वॉइस चुरा के ना डालिए। अगर आप लोग डाल रहे हो तो उनसे पहले परमिशन ले लो, फिर आप वॉइस डालो। मगर हाँ, आप लोग यूट्यूबर जरूर बनोगे। ये जितने बड़े यूट्यूबर हैं, जितने बड़े यूट्यूबर पैसा कमाते हैं, आप भी पैसा कमाओगे, ठीक है। मगर हाँ, कभी भी बड़े यूट्यूबर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना, कोई भी एक्शन नहीं लेना। तो अगर उन्होंने स्ट्राइक मार दी तो एक्शन के माइकल जैक्सन नहीं बन पाओगे, याद रखना, ठीक है। आप लोगों को बात मेरी समझ में आ गई होगी। यूट्यूब चैनल में काम करो, अच्छे से काम करो, किसी को भावना को ठेस ना पहुंचाओ, और ये पैसे जो लिए ये खुद भी कमा के दिखाओ, ठीक है। ये पैसा है जनाब, यूट्यूब में भी मिलता है, सरकारी नौकरी से ऊपर ज्यादा है, ये सरकारी नौकरी से भी ज्यादा पैसा है। 1 महीने की इनकम है, बताओ अगर आप लोग को मिलेगी 1 महीने की इनकम, कंधे पे बिठा के रखेंगे सबको, याद रखना। इतने पैसे कमाना है मेरी जान तो सबको डराना पड़ेगा, मेहनत में यूट्यूब में काम करो, सबको बताना पड़ेगा। बाय बाय।